हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी और मैं हूं अंजलि। आज के इस वीडियो में है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बजट में बेसिकली फैक्ट्स होते हैं और इसको आप दो तरीके से याद कर सकते हैं, या तो आप इनको सेक्टर वाइज इनकी लिस्ट बना लें या फिर इनको आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रेडी कर लें। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इनको तैयार किया है। अब बात आती है बजट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने बताया इसमें डेटा ज़्यादा है। तो अगर आप इनको सेक्टर वाइज याद करें, ये कृषि में इतना ये स्कीम पर खर्च हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस स्कीम पर इतना खर्च हुआ है, तो आपको आसानी होगी। तो चलिए फिर बजट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस हैं इनका 2020 मैच शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का क्या नाम है। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का नाम श्री जगदीश देवड़ा है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का नाम श्री जगदीश देवड़ा है और यह इनके द्वारा इनके कार्यकाल में इनका दूसरा बजट है, यह इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया दूसरा बजट है, यह इनका वित्त मंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस बजट में जो कुल राशि है वो कितनी प्रस्तावित की गई है, कितनी एलोकेट की गई है। तो वर्ष 2022-23 का ये जो बजट है, इसमें कुल राशि 2,79,237 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। ध्यान रखिएगा 2,79,237 करोड़ रुपए। यह वर्तमान बजट की बात हो रही है। 2022-23 के बजट में कितनी राशि रखी गई है, 2,79,237 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है, यानी किस अनुच्छेद में राज्यों के बजट के बारे में बताया गया है। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में राज्यों का जो बजट है उसके बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 112 में जो केंद्र सरकार बजट पेश करती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसको मेंशन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बजट में राजकोषीय घाटा कितना रहा। यहाँ पर ये जो वर्तमान बजट में, माफ़ करें, ये वर्तमान बजट में नहीं होगा, जो पिछला बजट था यानी वर्ष 2021-22 का, वर्ष 2021-22 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था, ये उसके घाटे की बात हो रही है। तो उस बजट में जो हमें राजकोषीय घाटा सामने आया है वह 55,111 करोड़ रुपए का है, यानी सरकार को जो घाटा हुआ है वो कितना है, 55,111 करोड़ का। एक तरह से उनको जो फटका लगा है इनडायरेक्टली, हमें जो घाटा हुआ है वो कितने का है, 55,111 करोड़ रुपए का। ध्यान रखिएगा ये वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्तीय विवरण 2022-23 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो इस बजट में 40,916 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितनी राशि आवंटित की गई है, 40,916 करोड़ रुपए। इसमें सब्सिडी भी शामिल होगी, इसमें जो घरेलू और कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी की घोषणा की गई है वो शामिल होगा, सिंचाई क्षेत्र शामिल होगा और जो नई योजनाएं शुरू होनी है इन क्षेत्रों में, सिंचाई में, कृषि में, वो भी इस राशि में शामिल होंगी, उनको भी इसी से फंडेड किया जाएगा। तो कितना आवंटन किया गया है, 40,916 करोड़ रुपए। सब्सिडी की अगर बात करें तो घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए इस वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि एवं घरेलू कार्य के लिए इस वित्तीय वर्ष में सब्सिडी कितनी उपलब्ध करवाई जाएगी, तो यह है 21,000 करोड़ रुपए। इसके सिवा सिंचाई क्षेत्र की अगर बात करें तो सिंचाई क्षेत्र में इस बजट में जो वित्त एलोकेट किया गया है, जो राशि प्रस्तावित की गई है, वह है 9,267 करोड़ रुपए।
या सिंचाई क्षेत्र के लिए, ध्यान रखिएगा, या सिंचाई क्षेत्र के लिए आवंटित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार पेश किए गए चाइल्ड बजट में कितने करोड़ राशि के आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पहली बार एक यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है चाइल्ड बजट के तौर पे, और इसके लिए उन्होंने 57,830 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जो प्रस्तावित किए गए पैसा है वो कितना है? 57,830 करोड़ रुपए चाइल्ड बजट के लिए। साथ ही साथ इसके अंतर्गत होगा क्या? तो यूनिसेफ कहता है कि 18 साल की आयु तक के बालक या बालिका वो एज अ चाइल्ड काउंट होते हैं। तो यहाँ पर सरकार ने 18 साल तक के बच्चों के लिए जो भी डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, वो चाहे फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो, चाहे वो ट्राइबल वेलफेयर हो, या फिर वो स्कूल एजुकेशन हो, इन सभी को इस राशि के द्वारा फंडेड किया जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स चल रही हैं, ये जो भी डिपार्टमेंट हैं, स्कूल एजुकेशन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये सभी इस राशि से फंडेड किए जाएंगे चाइल्ड वेलफेयर के लिए। इसके साथ साथ ये जो राशि है, इस राशि के थ्रू मतलब ये जो चाइल्ड बजट है, तो इसके थ्रू जो बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कमी देखी जाती है, इसके लिए भी इस बजट में इस सेपरेट एलोकेशन किया गया है। मतलब ये जो समस्याएं हैं, जो हमारे यहाँ पे कुपोषण की समस्या है, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा सकेगा सेपरेट एलोकेशन के कारण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है, जिसको कि इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर दोनों ही तरह से, यहाँ पे बेसिकली यहाँ से कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके सिवा यहाँ पर काफ़ी सारे कोल बेस्ड प्लांट भी हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ पर माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा रहा है। इसके सिवा सिंगरौली की अगर बात करें, तो यहाँ पर अभी नई हवाई पट्टी भी निर्माणाधीन है। यहाँ पर हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि सिंगरौली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि मैंने बताया एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो यहाँ पर एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी बजट राशि का आवंटन किया गया है? तो यह 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रस्तावित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, और यह शहरी क्षेत्रों के लिए अलग काम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग फोकस करती है। यानी इसको दो भागों में बेसिकली ये वर्क करती है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 23,50,000 घरों का निर्माण हुआ है। इसके सिवा जो ये आवास हैं, यहाँ ये मतलब इस रिकॉर्ड आवास के निर्माण के कारण जो मध्य प्रदेश है, यह प्रथम स्थान पर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है, ध्यान रखिएगा। और कितने निर्माणाधीन हुए हैं? ये 23,50,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। और इसमें एक और सूची भी ऐड की गई है, जिसके द्वारा ये सूची कहलाती है आवास प्लस सूची। आवास प्लस सूची के द्वारा
जो गरीब लोग जिनका जो कि इस योजना में जो इस योजना में काउंट तो होते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे, उनको इस आवास प्लस सूची के द्वारा अगले तीन साल में उनको इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। और ऐसे लगभग 31 लाख हितग्राही हैं जो किसी कारणवश इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को अगले 3 सालों में इस योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कितना आवंटन किया गया है, 10,000 करोड़ रुपए का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जाएगा? तो सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे कि अभी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में देश में काफ़ी कार्य हो रहा है, इसके सिवा मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगह सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर में हो गया, वहाँ पे फ्लोटिंग पार्क है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी 750 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया गया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिले का जो ये सांची है, यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। तो यहाँ पर जो बिजली की ज़रूरतें हैं उनको सौर ऊर्जा के द्वारा पूरा किया जाए, इसलिए इस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही पर्यटन स्थल भी है, तो यहाँ मतलब ये और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों को सही मार्गदर्शन व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस योजना की शुरुआत की जानी है? तो यह है प्रखर योजना, जो कि टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सही गाइडेंस मिले और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करके इनको स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रखर योजना की शुरुआत की है। प्रखर योजना के अंतर्गत बेसिकली जो स्कूली छात्र हैं उनको कौशल आधारित स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्स, कौशल आधारित जो वोकेशनल कोर्स होते हैं उसमें ट्रेन किया जाएगा। जो व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा इनको ट्रेन किया जाएगा। साथ ही साथ जो इंग्लिश हो गई और इस इंग्लिश को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और जीवन कौशल के जो नए मॉड्यूल हैं उनको सिखाया जाएगा। जो जीवन कौशल के मॉड्यूल हैं उनको सिखाया जाएगा। इसके लिए इस योजना के लिए प्रखर योजना के लिए 10,000 सरकारी स्कूलों में इसकी शुरुआत की जाएगी, यानी यहाँ पर वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। और इस तरह की व्यवसायिक जो ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये इन बच्चों को दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती है उससे आप आगे चलकर या तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर ज़रूरत है किसी इंडस्ट्री में या किसी भी अदर फील्ड में आप वहाँ पर अपनी सर्विस दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कितना रहा? तो यह जो GDP है यह 4.56% था, जो एवरेज GDP रहा है अभी तक मध्य प्रदेश का पिछले वित्तीय वर्ष तक, तो वो कितना रहा है, 4.56% रहा है। और जो अभी शुद्ध व्यय की अगर हम बात करें, जो अभी करंट जो बजट एलोकेट किया गया है 2,89,237 करोड़ रुपए का, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें शुद्ध व्यय रखा गया है 2,47,715 करोड़ का, ये शुद्ध व्यय रखा गया है। ये 2022-23 की बात हो रही है, इसमें जो शुद्ध व्यय है वो कितना है, 2,47,715 करोड़ रुपए का।
और जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जो राजस्व प्राप्ति होगी हमें, वह होनी है 1,95,180 करोड़ रुपए की। इतना रेवेन्यू इससे जनरेट होगा। राजस्व घाटे की बात की जाए तो राजस्व घाटा 3,736 करोड़ रुपए का होगा। वर्ष 2022-23 की बात हो रही है। जो शुद्ध व्यय है वो 2,47,715 करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्ति यानी जो रेवेन्यू जनरेट होना है वो है 1,95,180 करोड़ रुपए। और जो इससे हमारा डेफिसिट है वो होना है 3,736 करोड़ रुपए का। और लास्ट ईयर तक जो आपकी जीडीपी रही है वो 4.56% की रही है। जैसे कि मैंने कहा, बजट में फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो इनको आप सेक्टर वाइज डिवाइड करके और फिर आप याद करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।